मैं उम्मीद की किरण हूँ, सूरज बनना चाहती हूँ। कई जिंदगियां मुझसे रोशन हैं, मैं खुद को रोशन करना चाहती हूँ। मैं आस का जुगनू हूँ, मैं खुशहाली का दीप हूँ। आई एम द फायर ऑफ पैशन, मैं मंदिर की ज्योत हूँ। मैंने इस सोच की चिंगारी एक नए आंदोलन की मशाल बनना चाहती हूँ। जो खुद होते हैं रोशन, वही दुनिया को रोशन करते हैं। 16 सोमवार कीजिए खुद को रोशन। नमस्कार, मैं मानसी शर्मा आप सभी का चैनल दिव्य पर स्वागत करती हूँ। हम सभी कर रहे हैं कोशिश कैलाशी शंभू की कृपा पाने की, जिससे हम अपनी जिंदगी को और उत्साह व उमंगों से भर दें और वो सब कर सके जो हम करना चाहते हैं। शिव शंकर की कृपा पाने का सबसे आसान माध्यम है 16 सोमवार व्रत, जिसको शुद्ध मन व प्रेम से करने से वो आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। यही हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सोमवार व्रत पालन से आप अपने जीवन में अच्छा बदलाव महसूस करते, जिसका प्रमाण आप में से कई लोगों ने हमें लिखकर भेजा कि किस प्रकार से व्रत रखने के बाद उन्होंने अपने आसपास कई तरह की चीजों को महसूस किया। तो चलिए अब हम जाने ऐसे ही शख्स से, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं पीयूष अग्रवाल। 16 सोमवार महासंकल्प से जुड़कर मैं आनंद को अनुभव कर रही हूँ। जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मानसी शर्मा के वर्ड्स है, मैं उम्मीद की किरण हूँ, सूरज बनना चाहती हूँ, मुझसे है कई जिंदगियाँ रोशन, मैं खुद को रोशन करना चाहती हूँ। मैं इन वर्ड से बहुत इंस्पायर होती हूँ। प्रोग्राम का वे टेलीकास्ट बहुत अच्छा है। जैसा कि प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग अभी तक ओमकेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर चुके हैं और दिव्य चैनल के दर्शकों से अनुरोध करती हूँ, आप भी आगे आइए, इस महासंकल्प से जुड़िए और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में खुद को रोशन कीजिए। और एक्सपेक्ट करती हूँ कि दिव्या चैनल भी फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम लाता रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान से जुड़ सकें। धन्यवाद। दिव्या चैनल ने जो महासंकल्प की शुरुआत की है, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने भी सोमवार के व्रत शुरू किए हैं, जो मैंने अपने बच्चों की सुख शांति के लिए की है। मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। आप सब भी व्रत कीजिए और दिव्या चैनल को मिस कॉल देना ना भूले। हर हर महादेव। कि भगीरथ ने अपने वंशजों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा देव की उपासना की और उनसे आग्रह किया कि वो गंगा माता को इस धरा पर आने के लिए मनाएं, जिससे उनके वंशज पवित्र नदी गंगा की कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर सकें। गंगा माँ को यह सुनकर बहुत अपमानजनक लगा कि वो अब स्वर्ग से पाताल लोक में जाए, इसीलिए वो बहुत ही तेज वेग से धरा की ओर बढ़ने लगी। भगवान शंकर के स्पर्श से तो माँ गंगा और भी पवित्र हो गई और सभी के कल्याण हेतु धरती की ओर बढ़ने लगी। माता गंगा के इस धरा पर अवतरित हो जाने से अभागे लोगों का भी उद्धार हुआ और उन्हें माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती है, इसीलिए इनको तृप्तगा भी कहा जाता है।
भगवान शंकर हर समय ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन उन्हें हर पल अपने भक्तों का ख्याल रहता है। इसीलिए वो अपने भक्तों की सही समय पर अवश्य सहायता करते हैं। अब इसी लीला के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांधकर सारी सृष्टि का नाश होने से बचा लिया। हमें भी हर समय भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए और 16 सोमवार के व्रत रखकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। देखिए, सोमवार की व्रत की कथा का महत्व हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है। सोमवार की जो व्रत की कथा होती है, ये 16 सोमवार के नाम से शिव भक्त लोग जानते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा पुण्य लाभ ये होता है कि यह जब कथा की जाती है तो दो माह ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये प्रारंभ करने का इसका बड़ा महत्व होता है। पहला है श्रावण का महीना और दूसरा कार्तिक का महीना। जो भक्त लोग सोमवार की कथा और सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, वह अपने श्रावण से ही प्रारंभ करते हैं। इस कथा के करने से समस्त प्रकार के जो पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं एवं रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। सोमवार के व्रत को करने के लिए जो भक्त लोग होते हैं वो तीन प्रकार से कर सकते हैं। 16 सोमवार हमारे शास्त्रों में तीन प्रकार का वर्णन आया है। पहला वर्णन है जिसके अंदर भक्त लोग बिलपत्र दिन भर में एक बार सायंकाल भगवान की पूजा कर बिलपत्र भगवान पे अर्पण करते हैं। तीन बिलपत्र अर्पण किए जाते हैं, पहला भगवान के लिए, दूसरा ब्राह्मण के लिए और तीसरा जो बिलपत्र होता है जो भक्त होता है वो इसको खाता है। दूसरा है चूरमे के भोग लगाकर भगवान का व्रत किया जाता है, उसमें भी यही क्रम होता है। उस जो चूरमा बनाया जाता है उसका तीन भाग किए जाते हैं, पहला भाग भगवान का, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा जो भक्त करता है उसके लिए होता है। तीसरा ये होता है मिश्री के द्वारा किया जाता है, मिश्री का भी यही वर्णन है, तीन भाग किए जाते हैं। इस व्रत को करने के लिए श्रावण मास के एक शुक्ल पक्ष का जो सोमवार आता है तब से इसको प्रारंभ किया जाता है और 16 सोमवार होने तक इस कथा को किया जाता है और इसको करने के पश्चात इसका अध्यापन किया जाता है। सोमवार व्रत की कथा करने के लिए भगवान शिव को जो भक्त लोग करते हैं वो दिन भर ना तो जल लेते हैं ना ही किसी प्रकार का कोई अन्न लेते हैं। सायंकाल भगवान की 16 सोमवार की जो कथा होती है वो कथा करते हैं। कथा करने के बाद भगवान को पूजन अर्चन करने के बाद में जिसका भी वो करते हैं मिश्री बिलपत्र या चूरमा उसका भगवान को भोग लगाते हैं और उसी स्थान पर बैठकर वो उनको खाना पड़ता है जो भी प्रसाद होता है जिस स्थान पर पूजा होती है। और इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ पर पहले दिन 16 सोमवार प्रारंभ किया जाता है वहीं पे ही 16 सोमवार किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज उज्जैन में कर लिया तो कल दूसरी जगह जाकर कर लिया, परसों तीसरी जगह जाकर कर लिया। जिस स्थान पे प्रारंभ होता है उसी स्थान पर ही 16 सोमवार किए जाते हैं। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं कि सिर्फ महिला ही इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने का जो विधान है सभी के लिए समान विधान बताया गया है। इसमें पुरुष, महिला, बच्चे भी यह सोमवार का व्रत उद्यापन कर सकते हैं। दिव्या चैनल के माध्यम से जो 16 सोमवार की व्रत का कथा का जो भक्त लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो भक्त लोगों के पास पहुँचाई जा रही है, यह जो कार्य काफ़ी पुण्य का कार्य है। हमारे शास्त्रों के अंदर उंगली दिखाने का भी पुण्य मिलता है, उसी प्रकार दिव्या चैनल के माध्यम से जो ये कार्य किया जा रहा है, भक्त लोगों को 16 सोमवार का महत्व बताया जा रहा है, इसके लिए दिव्या चैनल को बाबा महाकाल की कृपा से बहुत बहुत आशीर्वाद और खूब यश कृति बढ़े। जय महाकाल। महासंकल्प लेकर ये बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत सुंदर कार्य है। दिव्या चैनल वालों को इसके लिए मैं मुबारक देता हूँ। लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग 16 सोमवार का व्रत रखकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं और ये तो कहने की बात ही नहीं है। भोले को अगर एक थोड़ा लोटा जल ही चढ़ाया जाए तो भोले प्रसन्न हो जाते हैं और 16 सोमवार का व्रत रखने से तो कोई भी इंसान खाली नहीं रहेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। और इसके लिए मैं दिव्य चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि उन्होंने ये महम छेड़ कर सबको जागरूक किया है। ये बहुत अच्छा कार्य है और आगे भी ऐसे कार्य करते रहें। दिव्य चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।